देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर हमारे उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही, जहां बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि कुल 272,313 छात्रों के लिए 1,347 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को लेकर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद में अहम बैठक हुई। परीक्षा परिषद साल 2021 को लेकर अहम चर्चा की गई है और इसी के साथ ही परीक्षा केंद्रों को लेकर भी चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इस साल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 1,347 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए 1,347 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ हाई स्कूल के 1,48,828 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वह इंटरमीडिएट के 1,23,485 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हरिद्वार जनपद से कुल 44,143 परीक्षार्थी परीक्षा देने आएंगे। सबसे कम चंपावत से 8,255 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं पौड़ी जिले में सबसे ज्यादा 166 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। चंपावत में सबसे कम 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए। प्रदेश में 223 संवेदनशील और 22 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के तहत 43 नवीन परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और वहीं निजी हाई स्कूल के 1,48,828 छात्राओं रेगुलर हैं। निजी स्कूल के हाई स्कूल छात्रों की संख्या 2,988 है। इंटरमीडिएट के कुल छात्राएं 1,23,485 हैं। वहीं इंटरमीडिएट में रेगुलर के छात्र 1,19,248 हैं। वहीं आपको बता दें कि इंटरमीडिएट में प्राइवेट छात्रों की संख्या 4,237 है। वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कुल 272,313 परीक्षार्थी शामिल हैं। आज वर्ष 2021 की परिषदीय परीक्षाओं के केंद्र निर्धारण की बैठक हुई है। 2021 के लिए 1,347 केंद्रों का निर्धारण हुआ है, जिसमें 223 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं और 22 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील हैं। और इस साल 23 परीक्षा केंद्रों में वृद्धि हुई है। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र हमारे पौड़ी जिले में है, 166, और सबसे कम परीक्षा केंद्र चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, 40। एकल परीक्षा केंद्र हमारे 43 हैं और मिश्रित 1,302 परीक्षा। खबर उत्तराखंड के धारचूला से सामने आ रही है, जहां एआरटीओ ने 80 वाहनों के चालान किए हैं। आपको बता दें कि एआरटीओ ने अभियान चलाया है और उसमें 80 वाहनों के चालान किए हैं। धारचूला नगर में आज एआरटीओ मुकुल अग्रवाल और उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला के संयुक्त नेतृत्व में नगर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें दोनों के द्वारा विवेकानंद चौक, गांधी चौक, अटल चौक, मल्ली बाजार पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 80 से अधिक वाहनों का चालान काटा गया है। उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने कहा कि धारचूला नगर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ मुकुल अग्रवाल ने कहा कि जिन वाहनों के कागज मिले हैं उनके मैनुअल चालान किए गए हैं और जिनके वाहन चालक नहीं मिले उन सभी के ऑनलाइन चालान काटे गए हैं। जुर्माना नहीं भरने तक उनके कोई भी कार्य नहीं हो पाएंगे। एआरटीओ पिथौरागढ़ आए हुए हैं और उनके साथ जो है ये धारचूला में जगह की कमी के कारण ट्रैफिक जो है जाम हो गया है, जिससे बेतरतीब गाड़ियां खड़ी हो रही हैं और सड़क पर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। उसके संबंध में एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया और सभी गाड़ियों का जो है चालान बना रहे हैं। जो जिन गाड़ियों में कागज और ड्राइवर मिले उन गाड़ियों का तो चालान काटा गया और जिन गाड़ियों का ना तो ड्राइवर मिले ना ही गाड़ी का कागज मिला उन सबको ऑनलाइन जो है लॉक कर देंगे, तो वो अपने गाड़ी का कुछ भी नहीं करा पाएंगे और जब तक वो जो है जमा नहीं करेंगे चालान तब तक जो है उनकी गाड़ी रिलीज नहीं होगी, वो आगे और प्रॉब्लम में आएंगे। धारचूला बाजार के अंदर बहुत ही बेतरतीब तरीके से गाड़ियाँ लगा रखी हैं, दोनों तरफ गाड़ियाँ लगा रखी हैं और उन गाड़ियों में यात्री बैठे हैं, चालक का पता नहीं है। कुछ गाड़ियों में चालक भी नहीं है, यात्री भी नहीं है और गाड़ियाँ बंद करके चले गए हैं वो, जिससे सड़क का आवागमन नहीं हो रहा और आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है। और इस अवरोध के कारण हमने आज नो पार्किंग में और अन्य अभियोगों में चालान किया है गाड़ियों का और हम चाहते हैं कि भविष्य में
वाहन चालक और वाहन स्वामी जो है मेन रोड के अंदर इस तरह की गाड़ियां ना लगाएं जिससे आम जनता को परेशानी हो। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की है और महिला मंगल दल ने हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए सम्मेलन करना शुरू कर दिया है, जिसमें आज कांग्रेस ने लैंसडाउन विधानसभा के डाबखाल में विधानसभा प्रभारी कविंद्र ईस्टवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बैठक की और भाजपा की भ्रष्टाचारी नीतियों से और त्रिवेंद्र सरकार की माफिया राज से जनता को अवगत कराया। बैठक में रोचक मोड़ उस समय आ गया जब क्षेत्रीय महिला मंगल दल की महिलाओं ने बैठक में पहुंचकर लैंसडाउन विधानसभा को बचाने की गुहार लगाई। लैंसडाउन विधानसभा से भाजपा के महंत दलीप रावत विधायक हैं, लेकिन वही मंगल दल की महिलाओं ने विधायक पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है। क्षेत्र की जनता समस्याओं के निराकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते हुए थक चुकी है, जिस कारण अब लैंसडाउन विधानसभा की जनता कांग्रेस से उम्मीद की किरण देख रही है। वहीं क्षेत्रीय जनता कांग्रेस की बैठकों में पहुंचकर अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत भी करा रही है। आज आप यहाँ देखेंगे कि ये रिखणी खाल में जो हॉस्पिटल बना है वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। आपने ये कौन सा गुइन घीड़ी गांव में जो जल संकट हुआ है, ऐसे लैंसडाउन के कई ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहाँ सबसे ज़्यादा जल संकट है, और अभी ये लोग सड़कों की लीपा पोती कर रही हैं। वो जो सड़कें हैं मात्र 10 से 15 दिन में उखड़ रही हैं। तो इन लोगों को खाली एक कोई विज़न अपना है नहीं, ये खाली खोखली राजनीति करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, इनका कोई अपना विजन नहीं है। आज आप तो जागी हुई है, लेकिन जगाने की जरूरत तो हम लोगों को बीजेपी वालों को है, क्योंकि 9 साल से यहाँ पर क्षेत्र का विधायक है और क्षेत्र के विधायक के होते हुए आपने अभी सुनी होगी महिलाओं की समस्याएं कि ना यहाँ पे पानी की सुविधा है, ना सड़क कनेक्टिविटी है, और लोग परेशान हो रखे हैं। हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल में कोई मशीन नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। और जो विधायक हमारा है, जो दिलीप रावत जी हैं, 9 साल से यहाँ पे विधानसभा में, पहले वो कहते थे कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, अभी तो तुम्हारे डबल इंजन की सरकार है, अब तो कुछ काम करवा दीजिए विधायक जी। तो हमारे गांव में पानी नहीं है, खतरों में पानी आ रहा है। नंबर दो, हमारे जो भी है हॉस्पिटल है, एक दवाई मशीन तक नहीं है। कोरदार जाते हैं मैठाणी और रावत, जो भी प्राइवेट हैं उनमें पैसे खर्च करते हैं। गरीब आदमी का बहुत बुरा हाल है, रोजगार नहीं है। लोग प्रधानों का जो पैसा आया है दिहाड़ी का, मुद्रिका का पैसा अभी तक किसी के खाते में नहीं है। बेचारे गरीब आदमी परेशान है। स्कूल देखो, हमारा राजकीय इंटर कॉलेज डावरी साइड, वहाँ आज तक दीवार टूटी पड़ी है स्कूलों की, सारा फील्ड ग्राउंड टूटा पड़ा है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। खबर उत्तराखंड के कालाढूंगी से सामने आ रही, जहाँ सड़क सुरक्षा सप्ताह का अभियान शुरू हो गया है। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, जहां चालकों के नेत्र परीक्षण की शिविर आयोजित की जा रही है। आपको बता दें, कालाढूंगी में 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुवार को थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में नगर के मुख्य बस स्टैंड में पिकअप व ट्रैक्टर चालकों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित की गई है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने चालकों व अन्य लोगों की आंख की जांच की है। जांच के दौरान कुछ चालकों की आंखों की खामियां में पाई गई हैं, जिन्हें नजर बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने कई उपाय भी बताए हैं। वहीं शिविर में लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। वहीं नगर के बस स्टैंड में सुबह बस व टेम्पो चालक के लिए एक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बाजपुर से आए डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने नेत्र शिविर में जांच की है। आपको बता दें कि यहां 50 से अधिक टेम्पो व बस चालकों और परिचालकों के आंखों की जांच डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है, और जांच के दौरान कुछ चालकों के आंखों में खामियां भी मिली हैं। इन लोगों को डॉक्टरों ने नेत्र की रोशनी बनाए रखने के लिए टिप्स भी दिए हैं, खाने की डाइट्स भी बताई हैं, जिससे रोशनी निरंतर बनी रहे। वहीं आपको बता दें कि जरूरतमंद को बेहतर उपचार के लिए सुझाव भी दिया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों की टीम ने वाहन चालकों को बस स्टैंड में सभा के रूप में नेत्र परीक्षण के बाद सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्तियों की मदद करने, प्राथमिक उपचार करने संबंधित कई जानकारियां भी दी हैं। वहीं थाना अध्यक्ष दिनेश नाथ महंत ने यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने, दो पहिया वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया है। वहीं सड़क दुर्घटना से बचाव के संबंध में अवगत भी कराया है। इस दौरान SI MS पंक्ति
रंजीत राणा, राजीव आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसके मद्देनजर आज हमारे द्वारा ये कलाडूंगी बाजार में सभी ड्राइवरों का आंखों को चेक करने का एक कैंप लगाया गया है। डॉक्टर साहब को बुलाया गया है, सभी की आंखों की जांच हो रही है और ये जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह भी लगातार। खबर उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही, जहां आम आदमी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने 60 लोगों की सदस्यता बढ़ा दी है और आम आदमी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाया है। पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ सहित 7 लोगों ने आपकी सदस्यता ली है। रामनगर में आम आदमी पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाया है। आज मोहम्मद शाकिर, पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ सहित 60 युवा शक्ति समेत 150 से अधिक लोगों ने आम आदमी का दामन थामा है। रामनगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत द्वारा आज ग्रीन वाली रेस्टोरेंट में आम सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया है। दान सिंह बिष्ट की अध्यक्षता में व संचालन खुर्शीद आलम, रईस सहनवाज, चांदनी सुनीता रावत, महेंद्र आर्या, हुसैन तारा सहित 150 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर नवीन नथानी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भास्कर जोशी, संगठन मित्र सुनीता रावत आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में गरीबों की सरकार आम आदमी पार्टी के खेत में काम कर रही है, वहीं 2022 में उत्तराखंड की जनता ने चाहा तो निश्चित रूप से यहां पर दिल्ली का विकास मॉडल दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने सिर्फ शराब और खनन से वसूली करके सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह देने का काम किया। आम आदमी पार्टी के लिए कोई काम नहीं हो रहा, लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तरस रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो उत्तराखंड में भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य दी जाएगी, जिससे पलायन भी रुकेगा और लोगों में रोजगार के प्रति भी उम्मीद जागेगी। 2022 आम आदमी पार्टी का होगा, क्योंकि युवा बहुत अधिक रूप में पार्टी से जुड़ रहा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो कार्य हैं दिल्ली में करे गए हैं, हम चाहते हैं कि प्रदेश में हमारे वही कार्य दोहराए जाएं। इसका नेतृत्व हमारे आज शिशुपाल रावत जी कर रहे हैं। शिशुपाल रावत जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। केजरीवाल जी ने इन्हें दायित्व सौंपा है कि प्रदेश में सारे कार्यक्रम को तरीके से करा जाए। यहाँ पर शिक्षा, बेरोजगार, विद्युत, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आदरणीय केजरीवाल जी के दिल्ली के विकास मॉडल के काम है, उनसे प्रभावित होकर के उत्तराखंड में भी अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं। और इसी क्रम में पूर्व छात्र संघ के जो उपाध्यक्ष रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी छवि रामनगर में है, आज जो है मोहम्मद साकिर और उनके साथी हमारे साथ जुड़े हैं, और जिसमें जो है कि सुनीता रावत जी हैं, मंजू नैथानी जी हैं, हुसैन तारा जी जो व्यापार मंडल की यहाँ पर नगर अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ी हैं। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां पर गणतंत्र दिवस को हुए हादसे को लेकर लोग रैली निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के पर हिंसा को लेकर रैली निकाली जा रही है। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां 26 जनवरी को लाल किले में तिरंगे के अपमान को लेकर पूर्व सैनिक और अर्ध सैनिकों ने रैली निकाली है। 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन के नाम पर असामाजिक तत्वों ने जो आतंक मचाया, उसके बाद पूरे देश के अंदर असामाजिक तत्वों के खिलाफ गुस्सा सड़कों पर दिखने लगा है। कोटद्वार में भूतपूर्व सैनिकों ने लाल किले पर तिरंगे का जो अपमान किया है, उसके विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया। उनका कहना था कि 26 जनवरी भारत के लोकतंत्र का महापर्व है, उस दिन भारत के प्रभुत्वता की निशानी लाल किले का तिरंगे का अपमान होना भारत को शर्मसार कर देने वाला है। जिन लोगों द्वारा यह कृत किया गया, उन सभी के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दंड दिया जाना चाहिए। आन बान और शान के लिए हमारे सैनिक सरहदों पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। कल परसों 26 जनवरी जिस दिन की गणतंत्र दिवस है, उस दिन वही उसी दिल्ली की हमारी जो भारत माँ की छाती है, छाती पर बैठ कर जो तांडव किया, उसके विरोध में ये रैली है। हम ये मांग करें कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको जल्दी से जितनी जल्दी हो उनको कार्रवाई हो जानी चाहिए। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।